यहाँ का जो छोटा सा पार्ट है आप देख पा रहे हैं इसमें, ये सील ना होने के कारण ये इंजन पूरी तरह से मतलब इसमें साउंड बन रहा था, और ये जो टाइमिंग चेन जो होती है चैम्बर में घिस रही थी तो साउंड बन रहा था उसमें। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम पवन है रामटेक इंडिया से, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गरडे ऑटो। तो फ्रेंड्स, आज हम ये जो ऑयल है, ये ऑयल सील, इसके वजह से हमने बहुत ढूंढा लेकिन ये कहीं नहीं मिली। लेकिन एक शोरूम में ये पुराना स्टॉक पड़ा था, तो वहाँ से हमको ये पैकिंग मिली। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये लगती है, किस तरह लगती है मैं बताऊँगा। जो पैकिंग होती है इस तरह यहाँ पे लगती है, ये क्रैंक की जो बेयरिंग है आगे पीछे उन्हें नहीं देती थी, ये यहाँ पे ये लगती है। तो इसकी वजह से जो क्रैंक जो है आगे पीछे यानी मैग्नेट की तरफ से जब खींचते हैं तो आगे पीछे नहीं होता। तो फ्रेंड्स, और इसके ऊपर से अभी हम क्रैंक लगाएंगे। तो ये इस तरह क्रैंक को पकड़ लेना है और ऐसे इस तरह यहाँ पे छोड़ देना और हल्का प्रेस कर देना। तो फ्रेंड्स, इस तरह लग जाएगी। इतना छोटा सा जो पैकिंग, इसका फुल वीडियो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। 135 पल्सर और ये सेम ही इंजन है, इसमें कुछ अलग नहीं है। तो आप वहाँ से देख के आप सीख सकते हैं या फिर इंजन कर सकते हैं रिपेयर। तो फ्रेंड्स, इंजन हमें खोलना पड़ा था। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो, और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।